नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो खेल खबर। आज हम बात करेंगे होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की घोषणा के बाद क्या समीकरण बनता है, क्या सही टीम का चयन हुआ है कि नहीं। आज हमें मशहूर कव्वाली हबीब पेंटर ने बड़ी अच्छी और सदी हुई कव्वाली गाई थी, याद आ रही है। वो कुछ इस प्रकार थी, बहुत कठिन है डगर पनघट कि कैसे मैं भर जाऊं माधो से मटकी। इस बार ये मुश्किल डगर वनडे वर्ल्ड कप की है। टीम इंडिया को 10 साल का आईसीसी ट्रॉफी वाला सूखा खत्म करना है। वर्ल्ड कप इस बार देश में ही है और इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता। इसी मिशन के लिए मंगलवार को बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी 15 सदस्यीय वाली टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इतिहास रचने के लिए उतरेगी। विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज इस टीम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इनके जवाब हर कोई टटोल रहा है। मिडिल ऑर्डर को क्या वो खिलाड़ी संभालेंगे जो चोट से वापस आ रहे हैं? क्या जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट है और क्या टीम इंडिया को एक ऑफ स्पिनर टीम में नहीं चाहिए थे? ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन टीम इंडिया अब पूरे भरोसे के साथ मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही है। वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम क्या है, कहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ऑर्डर का कंफ्यूजन, टीम इंडिया और मिडिल ऑर्डर का झंझट एक पुराना नाता है। पिछले वर्ल्ड कप में इसी कंफ्यूजन की वजह से विजय शंकर की टीम में एंट्री हुई थी। अब की बार भी 4 नंबर और नंबर 5 को लेके कोई भी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। टीम इंडिया नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खिला रही है जिनका वनडे रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन वो अभी चोट से वापस आ रहे हैं, उनकी लय नहीं बन पाई है। वहीं नंबर 5 के लिए 3 खिलाड़ियों की लड़ाई है, इनमें केएल राहुल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वनडे फॉर्मेट उनका बेहतर नहीं गया, तो वहीं ईशान और राहुल इस रेस में रह जाते हैं, साथ ही दोनों विकेट कीपर होने का भी फायदा मिलेगा। वनडे में नजर डालते हैं नंबर 4 की रेस में किसके आंकड़े क्या कहते हैं। श्रेयस अय्यर 21 मैच खेले हैं, 21 पारियों में उन्होंने 819 रन बनाए हैं लगभग 46 के औसत से। वहीं वनडे में नंबर 5 पे केएल राहुल की बात करें तो 18 मैच खेले हैं, 18 पारियों में उन्होंने 742 रन बनाए, औसत की बात करें तो 53 का रहा। अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 में विकेट कीपर कौन होगा। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ जैसे पारी खेली या उससे पहले उन्होंने कुछ भरोसेमंद प्रदर्शन जो किया है, उससे इस वक्त विकेट कीपर की पहली चॉइस वही बनाते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आक्रामक भी हैं, ऐसे में उन्हें इनका बेनिफिट मिल सकता है। उनके अलावा केएल राहुल भी इस स्थान के लिए हैं, लेकिन वो अभी चोट से वापस आ रहे हैं, पूरी तरह फिट नहीं है, और साथ ही वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक पार्ट टाइम विकेट कीपर के साथ आगे जाना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए ऑलराउंडर्स पर भरोसा जताया है, तभी 15 में से 4 खिलाड़ी ऐसे चुने गए हैं, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल मैच बिना स्पिनर को लेकर भी है। भारत की टर्निंग पिच पर यजुवेंद्र चहल की फिरकी कमाल कर सकती थी। वनडे में भारतीय पिचों पर चहल के नाम 18 मैचों में 30 विकेट हैं, लेकिन पिछले 2 साल में चहल की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है, इसी के साथ उनका पत्ता कट गया। हालांकि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर बनाए तो उनका चयन हो सकता था। यहाँ एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली चॉइस आर अश्विन हो सकते थे, जो घरेलू पिच पर टर्न करने के मास्टर हैं, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन टीम इंडिया यहाँ शेप खेलते हुए दिखाई। भले ही टीम ऑफ स्पिनर या राइट स्पिनर को ना चुन पाई हो, लेकिन कुलदीप यादव को जरूर टीम में रखा है। करीब 2 साल तक गायब रहने के बाद कुलदीप ने वापसी की और इस साल वो अब तक 23 विकेट निकाल चुके हैं। अब वर्ल्ड कप का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पे होगा। अब सवाल उठता है, टीम में 4 ऑलराउंडर क्यों? रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर चारों ही अभी एशिया कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, लेकिन घरेलू मैदान में भी टीम इंडिया इतने ऑलराउंडर्स के साथ
क्यों जा रही है। खुद रोहित शर्मा कहते हैं वो अपनी बल्लेबाजी को मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए ऑलराउंडर पर फोकस है जो सभी काम कर सके। यहाँ जडेजा अक्षर टीम के लिए स्पिन और बैटिंग डिपार्टमेंट दोनों संभाल सकते हैं। वहीं टीम कॉम्बिनेशन की डिमांड हुई तो शार्दुल ठाकुर भी यहाँ मदद कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे क्या होगी वेस्ट प्लेइंग 11? तो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान की भूमिका में रहेंगे ही, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या उपकप्तान, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। अब बात करेंगे जो जिनके ऊपर देश के क्रिकेट प्रेमियों की जिम्मेदारी है, उनके सपनों को कैसे पूरा करते हैं, वो 15 धुरंधर कौन हैं, उनके भी नाम पे हम एक बार चर्चा करते हैं। और उनके नाम आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ इस प्रकार हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, के राहुल हैं, ईशान किशन हैं, श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कितने क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। खेल खबर में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर। धन्यवाद।